यार कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो आपको दोबारा आने के लिए मोटिवेट करती हैं, एंड दिस लेक इज वन ऑफ देम। मतलब ऐसी लाइफ हो आपकी ना, आपके पीछे प्राइवेट कौन सी ये तो यार सबसे पहले कुर्ग के लोकल से ही जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं घूमने लायक। कोटा बेटा पी कोटा बेटा और दूसरा है ब्रो आपको उधर से मनाली फॉल्स से। आप मनाली फॉल्स? अच्छा मनाली फॉल्स ठीक है। सो वो सोमरपेट डिफरेंट रूट में जाएगा, इधर से एक 35 किलोमीटर्स। हाँ वो कोई इशू नहीं, वन आवर जर्नी कोई दिक्कत नहीं। और गोल्डन टेम्पल वगैरह? गोल्डन टेम्पल है और निसर्गधाम है, निसर्गधाम बैम्बू फॉरेस्ट, उसमें आपको एंट्रेंस में कुछ दोबारे एलिफेंट कैंप वर्थ वॉचिंग आई थिंक यू कैन गो राइट नाउ ब्रो बिकॉज आई थिंक देयर विल बी देयर कैन गो टू मलेली फॉल्स। मलेली फॉल्स देयर ऑलवेज वाटर विल बी इन ब्रो। ओके मलेली फॉल्स ठीक है। ओके सर थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत ही सही प्रॉपर्टी मिली है भाई। ये कोई एक कॉफ़ी स्टेट समथिंग फ्रेश कॉफ़ी नाम से एक जगह है जब मधुगिरी के रास्ते पे पड़ता है। बहुत सुंदर शानदार जगह है। तो ये है ड्रैगन फ्रूट का पेड़। अच्छा और जो पूरा फैला हुआ वो है गुलमोहर का। हाँ और जो नीचे वाला वो है स्नैक। अच्छा जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करता है। और ओरिगानो फार्म भी है उनका खुद का, जहाँ पे पैशन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है और ये रामफल है, एवोकाडो, वो सब यहीं लगाते हैं क्योंकि हम कैफे में जो यूज़ करते हैं वो सारे फ्रूट्स हैं, बाहर से कुछ नहीं लेके आते। पुरानी बुलेट। अच्छा देख कोई दिक्कत हो रही है? अच्छा कौन सी ईयर की है ये? उसी टाइम की है पुरानी। तक कुछ बोलेंगे थोड़ी नहीं। अच्छा ये कस्टमर को दिखाने के लिए खड़ी कर रखी है। बुलेट तो चालू कंडीशन में, बाकी की तो बंद पड़ी। बाकी तो कहाँ चलेंगे? ये तो मैंने चलाई थी ना, मेरे को समझ में नहीं आई उसमें जी में। अच्छा हाँ वो गैर है उसमें ब्रेक है। हाँ उल्टा होता था ना। ये तो आती थी अपने उस साइड में चलते हैं अभी भी, पर धीरे धीरे कम हो गई। नहीं चलाई है फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अपनी साइड में जो नहीं चल रही है बस वो ही चलाई है। हाँ हाँ हम वहाँ से धुआं निकला ऐसा तुम ज़्यादा स्पाइसी। चलो ये भी सही है। हमें वो क्या ट्री क्या? हाँ 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 अच्छा अच्छा ये कावेरी। अच्छा ये है कावेरी भाई। ये तो ये जो मिट्टी घेर रखी है ना, चल यहाँ पे हाथी खड़ा था। अच्छा उसने मार रखी सारी। अरे बस अपने साइड में ऐसी जगह नहीं मिलती है। हाँ अरे क्या जगह है भाई, एक नंबर। वो सामने वाला प्लेस देख लो वहाँ पे, जब हमें पार्टी वार्टी करनी रहती है ना। हाँ। वहीं बैठते हैं, आग वाग जलाते हैं, बॉन फायर वगैरह है सब कुछ। रात को करोगे क्या? रात को करते हैं। आज करोगे? नहीं आज तो नहीं, वो जब भी लाइक अब न्यू ईयर आ रही है। हाँ हाँ। अब न्यू ईयर पे हमारा प्लान है पार्टी करने का। हम्म। या तो फिर वहाँ पे या फिर इसको क्रॉस करके। अच्छा अच्छा साइड में जाने। ज़्यादा गहरी थोड़ी है ये तो, यहाँ पे ज़्यादा गहरी नहीं, इजिली जा सकते हैं वहाँ तक। तो मैं अभी तक जा चुका हूँ, उससे आगे क्रॉस करके जाएंगे तो फिर फॉरेस्ट का इलाका आ जाएगा पूरा। वो सेफ नहीं है? हाँ सेफ नहीं, सेफ तो है जा सकते लेकिन हाथी वगैरह का बस सीन ज़्यादा शायद। तो जैसे हाथी आए अपन सोचते हैं भाग लेंगे, भाग नहीं पाते? भाग लो, अगर उसको छेड़ेंगे तब तो वो दिक्कत करेगा, अगर चुपचाप खड़े रहेंगे तो कुछ। कल वहाँ पे हाथी खड़ा था। अच्छा मैं यहाँ खड़ा था,
अब उसने देख लिया ऐसे कुछ नहीं करता, उसके पास जाके कुछ नहीं करेंगे तो करेगा। सही बात है। लेकिन बस रात के टाइम पे थोड़ा सा ये सीन लगता है, आग जला के रखते हैं ना तो हाथी भी डर जाता है कि आग वाग लगा रखी है। और फिर यहाँ पे फॉरेस्ट वाले घूमते हैं मछली वगैरह पकड़ने के लिए रात में। ये तो इनका खुद का है ना? खुद का है, लेकिन बस ये इतना इतना पार्ट इनका खुद का, बाकी का पूरा वो सब गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इन्होंने सजाया क्या इस तरीके से? नहीं, 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 पहले का ही है। ऐसा लग रहा है कि सजाया हुआ ना, ये है ये नॉर्मली। बैटरी चलता भी हाँ, ज्यादा नहीं चलता। यार जब भी हम हिल स्टेशन के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में वही दो तीन नाम याद आते हैं, मनाली, ऋषिकेश। लेकिन आई फील कि कुर्ग बहुत अंडररेटेड जगह है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली प्रॉस्पर करेगा। अभी ना ही तो यहाँ पे क्राउड है, यू शुड डेफिनेटली कम हियर, बहुत शांति बहुत पीस। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दे हैव देयर कॉफी प्लांटेशन पीछे की साइड एंड आगे कैफे, एंड कॉफी शॉप के जस्ट सामने इनका घर है, उसके पीछे प्राइवेट लेक टाइप ऑफ कह सकते हैं। इट्स वेरी पीसफुल मैन, इट्स वेरी सूदिंग, द साउंड इट्स वेरी सूदिंग। तो अगर कभी कुर्ग आओ डेफिनेटली, फिफ्थ जनरेशन नाम से इनका कैफे है, बहुत सुंदर कैफे है एंड उसके पीछे कॉफी प्लांटेशन है, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट कॉफी प्लांटेशन एज वेल। एंड उसके बाद डोंट मिस दिस लेक, ये लेक बहुत ही सुंदर है भाई। यहाँ के जब यहाँ पे जब आप बैठोगे, अब तक जाने का मन ही नहीं करेगा, मेरा मन भी नहीं करा जाने का, बट आई हैव टू लीव नाउ। इसके बाद आई शो यू कॉफी मेकिंग प्रोसेस एंड देन विल लीव टू गोल्डन टेम्पल, देन दोबारे एलिफेंट कैंप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फार ये प्लान है, बाकी देखते हैं अगर चेंज आते हैं तो आई लेट यू नो। आपको कैसी लगी जगह? बहुत ही शानदार लगी ये। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत खुश हुआ मैं इस जगह को देख के, तो बहुत सुकून मिलेगा इस जगह को देखेंगे तो। इस जगह को देखेंगे तो स्थानों में एक अलग ही अंदाज जी लगेगा। यार कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो आपको दोबारा आने के लिए मोटिवेट करती हैं, एंड दिस लेक इज वन ऑफ देम। ये लग रहा है दैट मैन मेड है बट नहीं, ये आर्ट, ये ब्लैक कलर, ये कावेरी रिवर है। यहाँ पे यहाँ तक लेट मी शो यू, जहाँ तक आप देख सकते हैं बाउंड्री, वो इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड उसके उधर गवर्नमेंट का एरिया आता है। ओके उसके उधर गवर्नमेंट का एरिया आता है, मतलब ऐसी लाइफ हो आपकी ना, आपके पीछे प्राइवेट लेक टाइप ऑफ जगह हो, सामने इनका घर है जिनका ये कैफे है, 5th जनरेशन कैफे नाम से है। कुर्ग में बहुत ही शानदार जगह है, डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेस है। हाँ, पुष्पगिरी और मक्कड़गुड़ी बेटा सेफ है, सेफ सेफ है, कोई एनिमल्स कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे भी ये तो अलाउ नहीं करते, इधर एलिफेंट आएगा सर रात, सो वो डेंजर है। ओके ओके थैंक यू। So basically what we do over here is this is a customized roaster which helps us make a lot of blends for the cafe as well as a lot of customers also we curated for. What happens in this particular roaster is it's a drum roller inside with a fire under it. So the fire is basically cooking and roasting the coffee. We keep checking in that short dial over there, what you can see, a small circular dial where you can see the coffee rolling. So I'll just go on that side and I'll show you some samples. So this is some roasted coffees. Okay? So this is the roast being prepared. So over here you can see the dial. You can keep seeing what color the coffee is, so that every few minutes we keep checking it whether it is whether it has come up to the roast level or not. And over here we load the coffee. We drop it through this. We pull the lever. It drops into the roaster. From the roaster, it falls into the cooling tray. And after it is done cooling, we drop it into the storage and we stock these coffees. So the same coffees are blended, we package it, we make different blends for you to have different varieties of coffee, enjoy it in so many different ways, in a hot brews, cold brews,
varieties of things like that. इसकी capacity है 5 kg. अच्छा. ठीक है, जो fire और electrician दोनों चलती है. इसका starting temperature है 130. 130. अच्छा. Last temperature है 200. 200. ठीक है, 200 के range में टप वो करते हैं roasting. हम roasting करते हैं इसमें चार type की, medium, light, dark, medium to dark. अच्छा. चार type के roast करते हैं. जब roasting complete होती है ना, तो देखो अंदर के अंदर घूम रहा है ना. हाँ हाँ. वहाँ से हम रोस्टिंग देखते हैं. जब रोस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो एक कूलर है इसका, जो कूलर घूम रहा है इसमें वो कॉफी निकाल देते हैं वहाँ से. अच्छा अच्छा. जब वो ठंडी हो जाती है पूरी, वो इसमें वो इसके अंदर डालते हैं. और ये उसका प्रोसेस है. वहाँ से वो जो चेरी लग रही है वो तोड़ के लेके आएंगे, देन उसको सुखाने के बाद ऐसी स्किन रेडी होती है. फिर ये रिमूव करेंगे तब ये आएगी. इसमें दो प्रोसेस हैं, एक खाने का, एक पैशन फ्रूट का. अच्छा. और उसके ऊपर हम फ्लेवर ऐड करते हैं. और वो जब ये स्किन इसकी निकालेंगे तब ये ग्रीन बीन्स निकलेगा जिसको हम रोस्ट करते हैं. इसमें ये अराबिका है, ये रोबोस्टा. अच्छा. ये पी बेरी. अच्छा. ये कौन सी पी बेरी? जो इन दोनों के बीच में रहता है पी बेरी है. हाँ. अच्छा. बस ये पूरे तो यार मैं अपने स्टे की तरफ जा ही रहा था कि बीच में मुझे रास्ते में दिखता है ज़िपलाइनिंग और क्वाड बाइकिंग का बोर्ड. तो प्लान तो मेरा था कि मैं कल करूँगा ये सारे एक्टिविटीज़, लेकिन अब जब रास्ते में ही पड़ रहा है तो कर ही लेते हैं. अब इसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.